ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, मुझे उसके हत्यारों को तो सभी साथी यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि ये बेचारे इसलिए नहीं बैठ पा रहे क्योंकि बैठने की व्यवस्था थोड़ी हमने हमारी नहीं हुई है। तो बड़ी तो सभी साथी एक बार बैठने की कृपा करें, क्योंकि बैठ जाओ, बैठेंगे तो नारा धरना जो शांति प्रिय कैसे चलेगा। तो यहाँ प्रशासन के जो लोग भी हैं वो आएंगे, तो इसलिए हमें अनुशासन में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके कानूनी लड़ाई हमने लड़नी है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल तौर से, क्योंकि लेकिन पूरा का पूरा धरना कम नहीं है, क्योंकि कभी तो धरना के अंदर हमारे जो भाई हैं जो बिजनेस कर रहे हैं दुकानों के ताले तोड़ लिए जाते हैं, कभी किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, किसी की दुकान में घुस करके उसको पिटने और मारने की धमकी दी जाती है, या किसी महिला के साथ में रेप करने या छेड़खानी करने जैसी घटनाएं होती है। बड़ी दुखद घटना है कि हमारी महिला ने बताया कि वही नीचे ना पेटियों के नीचे छुप छुप करके हमने पीछा छुड़ाया, उन बेरहमी हमलावरों ने रेप तक करने की कोशिश की गई। उसके भी एक अलग से एक महिला ने अपनी एप्लीकेशन दी हुई थी, लेकिन उसमें भी पुलिस ने टाल मटोल करने की क्या की गई, कोशिश की गई, क्योंकि वहां पर गरीब दास के घर में हमला हुआ तो उसको चाकू मार दिया, लेकिन वहां पर अन्य और सात आठ परिवार थे तो उनके घरों में भी क्या की गई, तोड़फोड़ की गई, उनके घरों में भी बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी की गई। तो पूरे के पूरे पुलिस हमने वीडियो ही दिखाई थी हमारे बीच में, अमित धानिया एक सच बोल बोल खोल चैनल चला रहे हैं, फेसबुक को भी है, तो उसके माध्यम से पूरी की पूरी हमने वहां पर वीडियो इन्हें बना करके लोगों को दिखाया। ये दिनेश अपने गोद और पाल गोद इन्हें वीडियो ले, तो सारा समाज के लोगों को इनके पास फोन आए, कहते कि भाई इस तरह की घटना तो हमने कभी देखी नहीं। तो इसलिए तो इतनी दुखद घटना ये हुई कि हमारा भाई मर गया और हमारी बहन बेटियों के साथ में पता नहीं और भी कुछ हो जाता, लेकिन पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर के खड़ी रही, बल्कि पीड़ित परिवार को धमकाने डराने केस लगाने तक की पुलिस ने धमकियां दी गई। तो यहाँ पर मैं अपील करता हूँ कि पुलिस वाले जो ना थे, जिन लोगों ने परिवार के साथ में धोखा करने की कोशिश की, तो साथियों पीड़ित परिवार की सहायता के लिए हमारे पार्षद भाइयों ने भी अपनी तरफ से जितने भी पार्षद हैं 5,000 रुपए की सहायता इन्होंने दी है। सबसे 14 पार्षद हैं ये, और निक हमारे वाइस चेयरमैन ने 10,000 और राजकुमार गुप्ता जी ने भी 10,000 रुपए की सहायता परिवार के लिए दी है। तो मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, अपने लिए भी बहुत से इन्होंने। एक बात यह है कि कोई भी पहले एक बार बीच में तारीफ करे वो काम नहीं करना, हमने बैठे बैठे राम नाम अपना भगवान राम का नाम भी लो ताकि आत्मा को शांति मिले, ये काम भी बीच बीच में बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोलो सारे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमारे मुकेश जी की आत्मा को शांति मिले, परमात्मा करे इनको स्वर्ग में वास मिले, और तुम्हारा चाहिए इसी रूप में आने वाले समय में इस परिवार में नजदीक परिवार में जन्म लेकर आए, हम तो यही भगवान से दुआ करते हैं। बहुत दुख की घड़ी है, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता। तुम एक जवान बच्चा माँ बाप का चला गया है, और हमारी तो यही बार बार मांग है प्रशासन आए और जल्दी से इस पे कार्रवाई करे, सभी को पकड़े, और आने वाले समय में जो हमारे भूमा में का नशा फैल रहा है उसके ऊपर विशेष रूप से कार्रवाई हो, सारे खुर्दे बंद होने चाहिए भूमा के, नशे के ऊपर पूरा अटैक हो, ये सारे नशे में धूप थे, कोई हौसली था, कितने मार रहे हैं टांगे वहां, मैं तो खुद मौके में मौजूद था, देख रहा था, कोई किसी को याद ही नहीं क्या होने लग रहा है। तो ये नशे की वजह से हुआ है सारा कार्य, ये नशा हमारा रुकना चाहिए।
तो सभी साथी मैं कुलदीप जी से भी निवेदन करूंगा, बीच बीच में अपना भगवान का नाम भी दिलवा याद दिलाते रहे सबको, ताकि आत्मा को भी शांति मिले। तो चेयरमैन साहब ने चलो नगर पालिका जो हमारी है उसने पीड़ित परिवार को सहायता कर रही है, तो उनका यहाँ पर पीड़ित परिवार की तरफ से भाई चलो धन्यवाद मैं करता हूँ मेरे पर्सनल तौर से। तो लेकिन देखो इतनी बड़ी जुल्म की बात है कि पुलिस, हम गए थे भीम सिंह जिंजर जी हमारे बीच में बैठे हैं एलएसपी के नेता हैं, लेकिन मैं सभी साथियों से ये अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि हमारी ये सामाजिक लड़ाई है, खुला की लड़ाई है, गुंडागर्दी की के खिलाफ लड़ाई है, सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, विभिन्न बिरादरियों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, सभी का सभी, क्योंकि वही गुंडागर्दी सभी को परेशान करती है छोटे से लेकर के बड़ा तक। यहाँ तक मेरे को सुनने में आया कहते हैं कि काफी व्यापारी हैं भाई यहाँ से इस गुंडागर्दी के चक्कर में दिल्ली पंचकुला या अन्य जगहों पे शिफ्ट करके। देखो हम मकान बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल से बनाया जाता है, बिजनेस सेटअप करते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसको चलाया जाता है, नई जगह पर किसी डर के मारे में जाना पड़ जाए तो कितना बड़ा जुल्म है। तो इसलिए ये वही गुंडागर्दी है, लूटमार है, नशाखोरी है, नशाखोरी के चक्कर में ये ऐसी लूटपाट करते हैं, तो भाई कितनी जिंदगी है ये। तो आज हमारे बीच में मुकेश है जो भाई इस गुंडागर्दी का क्या हो गया, शिकार हो गया, तो उसको मार दिया गया। और लेकिन पुलिस की कार्रवाई, क्योंकि ये क्या करते हैं पुलिस वाले जाते हैं तो बीच में आपने पता है भी कैसी कैसी बातें चलती हैं, तो ये लोग इस प्रवृत्ति के हैं, लेकिन पीड़ित परिवार पर भी क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। ये बेचारा गरीब परिवार है, गरीब दास भी नाम भी गरीब दास है, तो इसलिए इतना गरीब है कि थाने में जब गए इनने बेचारों ने कुछ नहीं पता। सामने से दिलबाग सिंह एसआई जो वहां मौके पे था, मैंने कहा वो बोले जी चोट तो इनने ही मारी है, तो मैंने कहा किसको मार दीजिए, बोला एक हमलावरों का जो है वो भी एडमिट है। मैंने कहा कि आईपीसी आपने पढ़ी है तो भारत का संविधान ये प्रोटेक्शन करता है कि हमारी जान माल की हानि यदि कोई करता है हमारे घर पे आकर के, यदि वो बंदा मर भी गया ना तो बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम उसने मारने नहीं गए। तो ये कैसे आप इसके घर के ऊपर 40 लोगों ने हमला कर दिया, क्या वो एक भी टोड़ा नहीं चलाएगा, क्या वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा, यदि एक आधा कल लग गया तो, लेकिन वो तो नहीं मारने गए, लेकिन ये हमारा आईपीसी भी भारत का संविधान भी हमारे को छूट देता है, यदि आपके घर में आकर के कोई हमला करता है, यदि आप पे अटैक करता है आपकी सुरक्षा संविधान करेगा, ठीक है एक बार मामला दर्ज हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कोर्ट देखेगी वो भरी हो जाएगा। तो इसलिए तो मैंने कहा बोले सामने वालों से भी क्या आ रही है, एक एप्लीकेशन आई हुई है, मैंने कहा कि वो दिखाओ एप्लीकेशन, और बेचारे ये कह रहे थे जी कार्रवाई कर दो जी कार्रवाई कर दो जी, मैंने कहा भाई कार्रवाई किस चीज की करेंगे, जब तुम्हारे ऊपर मामला दर्ज कर